in modern history from marksman age formation of Swaraj Party. Till now, we have witnessed that how Gandhi emerged in the Indian political scene and organized the first massive movement, that is non-cooperation movement, along with the Khilafat movement. And on the 5th of February 1922, when Chauri Chaura incident took place, Gandhi was very disappointed. So he, at Bardoli resolution, took the decision we should suspend the non-cooperation movements. A faction of Congress people were disappointed. They thought that it is the real time that we should channelize the energy of the people. कहने का मतलब यह है कि 1907 में पहली दफा कांग्रेस का विभाजन हुआ, आइडियोलॉजिकल डिवीजन. 1916 में उनका मर्जर हुआ. 1916 के बाद जब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद 1922-23 में देयर वॉज अनदर ब्लो टू द कांग्रेस, दैट वहाँ एक ऐसे फैक्शन बन गए जिन्होंने बोला दैट द अप्रोच ऑफ गांधी जी इज नॉट करेक्ट, और देयर वॉज अ फॉर्मेशन ऑफ ए स्वराज पार्टी. स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है और इसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का नाम फेमस है. इनको प्रो चेंजर्स भी कहा गया. एंड दोज हु आर नॉट सपोर्टेड लाइक गांधी जी, दो वी आर नो चेंजर्स. प्रो चेंजर्स कहते हैं दैट नाउ वी शुड फाइट एंड गो इन साइड द लेजिस्लेचर. हम वहाँ पर जाके फाइट करेंगे. वी विल टेक द अपॉर्चुनिटी टू बी पॉलिटिकली एक्टिव. नो चेंजर लाइक गांधी जी और आप देखोगे कि सी राजगोपालाचारी और फिर राजेंद्र प्रसाद, इन सबको ये यकीन था कि दिस इज द टाइम इज नॉट येट केम दैट वी शुड गो फॉर द लेजिस्लेचर और पॉलिटिक्स. सो देर आर सम अराउंड 15-20 क्वेश्चंस इन मार्क्समैन बुक रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी. वी विल गो थ्रू दैट. द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द, तो इट वॉज द फेलियर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. 1920 और 22 के बीच में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा, और 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा इंसिडेंट रहा, उसके बाद से इसे बोला गया कि दैट ये सही नहीं है और ये आप देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर. पॉइंट टू इज दैट स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय द, स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का नाम आता है. सी आर दास, चित्रंजन दास, जिनको हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू. नेक्स्ट जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु सेज हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस फॉर मेकिंग द स्वराज पार्टी. सी, आइडियोलॉजिकल डिवीजन तो हो ही गए थे, बट इस टाइम आइडियोलॉजिकल डिवीजन ये था कि इंटर कौन करेगा लेजिस्लेचर में, दोज हु आर सपोर्टिंग एंड दोज हु आर अगेंस्ट. तो उसमें जो लीडर थे सी आर दास थे. सी आर दास रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस टू मेक स्वराज पार्टी. सी आर दास. क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फॉर्म्ड बाय द मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास. तो इट वाज स्वराज पार्टी. मोतीलाल नेहरू वाज द लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी. हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द पार्टी. तो इसमें आप देखोगे कि सी आर दास, श्रीनिवास अय्यर, विठल भाई पटेल ऑल वेयर द मेंबर ऑफ दैट स्वराज पार्टी, बट सी राजगोपालाचारी वॉज अ गांधीयन फ्रॉम हिज आइडियोलॉजी एंड ही नेवर सपोर्टेड एंट्री इन टू द लेजिस्लेचर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड, तो अब राजेंद्र प्रसाद, ही इज ऑल्सो अबाइड फॉलोअर ऑफ गांधी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी, तो राजेंद्र प्रसाद ने भी सपोर्ट नहीं किया था. क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड स्वराज पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. सी, यहाँ पे आप देखो क्या राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू का उतना वॉइस इतना उस टाइम था नहीं कुछ, देन मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन सब में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था. यस, वी मस्ट गो, वे मस्ट यूज द अपॉर्चुनिटी वी हैव गिवन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट. मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म के बाद जो हमें गुण अधिकार मिले, हम वी विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी. वी विल लेट द पीपल नो कि दैट वी कैन रूल द कंट्री. हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए देश बंधु. देश बंधु का नाम जब भी आए तो गो फॉर द चित्रंजन दास. चित्रंजन दास का नाम है देश बंधु, और दीन बंधु जो हैं वो हैं सी एफ एंड्रयोज जो थे, वो अब देखेंगे कि ये यूरोपियन थे और वो गांधी जी के मित्र थे. सी एफ एंड्रयोज एंड चित्रंजन दास. द फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी द कॉमन फॉर द कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर द क्लासेस, ये किसने दिया था? इट्स अ वेरी फेमस स्लोगन ऑफ सी आर दास, चित्रंजन दास का ये स्लोगन है. क्वेश्चन नंबर 10, जब कांग्रेस लीडर ने निंदा की मोंटेग्यू चेम्स रिफॉर्ड की, मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म द, कहाँ चले गए वो? दे फाउंडेड इंडियन लिबरल फेडरेशन. इंडियन लिबरल फाउंडेशन, ठीक है, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे लीड कर रहे थे.
the national leader who was elected president of the Central Legislative Assembly. The national leader who was elected as the speaker of the Central Legislative Assembly, iska answer hai Vitthal Bhai Patel. Vitthal Bhai Patel. It was Vitthal Bhai Patel. For which of the following reasons Swaraj Party founded in the India? Swaraj Party jo foundation hua tha, iska withdraw of the non-cooperation movement by Mahatma Gandhi, entering in the council and restriction and resection the government of India Act of 1920 by don't let them work. Yes, should be the correct reason. Repression by the British government, aisa koi reason tha nahi. It is believed that the India, it believed by India that that they should fill the experience of administration, aisa koi khasa reason nahi tha. But the correct answer is 1 and 2. Correct answer is 1 and 2. Question number 12 ka ab dekho hai ki withdraw of the non-cooperation movement by the Mahatma Gandhi, and there was a feeling of disappointment, and then they started to participate in the legislature. Who among the following were associated with the formation of Swaraj Party? So C.R. Das and Motilal Nehru. So straightway go to a 2 and 4. Who among the following decided to launch the Independent Party on 16 December 1922? 16 December 1922 ko kisne that Independent Party launch karne ki ghoshna ki? So Independent Party was a party which was established during the 1922. And the purpose, that is Madan Mohan Malviya and Motilal Nehru. So 2 and 4. ठीक है, मदन मोहन मालवीय का नाम अदर से भी आप जानते हैं. 1916 में उन्होंने BHU की स्थापना की थी. एंड मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ने 1923 में आपने देखा कि स्वराज पार्टी की स्थापना की थी. सो दिस वाज रिगार्डिंग द स्वराज पार्टी. थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं, जस्ट कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है. दैट स्वराज पार्टी की जेनेसिस की बात करता है तो आफ्टर गांधी अरेस्ट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देर वॉज डिस इंटीग्रेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिमोरलाइजेशन. लोगों को लगने लगा हम क्या करें, हमारा मूवमेंट्स तो खत्म हो गया. तो स्वराजिस्ट एट दैट टाइम केम फॉरवर्ड, और सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अमजद खान, उन्होंने कहा द इन द बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ठीक है, हमें इंटर करना पड़ेगा टू इनेबल नेशनलिस्ट टू इंटर देम एंड यूज देम फॉर देयर बेनिफिट. और दे वांटेड टू इंड और मेन दिस काउंसिल्स. बेसिकली वो इनको पोटेंट बनाना चाहते थे. वो चाहते थे कि इट शुड सर्व सम पर्पस. नो चेंजर्स जो थे लाइक राजगोपालाचारी या आया था, राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी और वल्लभ भाई पटेल, उनने वो चेंजर्स थे. वो चाहते थे नो नो नो, वी डोंट वांट टू एंटर इनटू द काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड वी शुड गो एंड कंटिन्यू आवर कंस्ट्रक्टिव वर्क. कंटिन्यूड नॉन कॉपरेशन, बॉयकॉट करेंगे, क्वाइटली प्रिपेयर्ड फॉर द सिविल डिसोबीडियंस. ये उनका प्लान था सविनय अवज्ञा का, जो कि 1930 में होने वाला था. अब ये दोनों के बीच में गया का जो सेशन हुआ 1922 में, इट वॉज लेड बाय द चित्रंजन दास, एंड हियर यू सी द डिफीट द स्वराजिस्ट प्रपोजल ऑफ एंडिंग और मेंडिंग एट द गैस सेशन. वहाँ पे स्वराजिस्ट के जो व्यू थे वो सपोर्ट नहीं किया गया. उन्होंने रिजाइन किया पार्टी से एंड दे फॉर्म द स्वराजिस्ट पार्टी विद सी आर दास एज द प्रेसिडेंट एंड नेहरू इज वन ऑफ द सेक्रेटरीज. उनका क्या आर्गुमेंट किया था, दे वांटेड टू इंटर द काउंसिल, थॉट डूइंग सो वुड निगेट द मूवमेंट बट वुड ओनली मीन ओपनिंग अ डिफरेंट फ्रंट. उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि मूवमेंट कमजोर हो जाएगा, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू इनहेंस योर, कम्प्लीमेंट योर एफर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फ्रंट. ठीक है, आप एयर मास मूवमेंट्स में डिफरेंट फ्रंट्स के बारे में पढ़ोगे ज्योग्राफी में. इन अ टाइम ऑफ अ पॉलिटिकल वैक्यूम द काउंसिल वुड वर्क एंथुसियाज्म द मास एंड कीप देयर मोरल अप. क्योंकि जो गांधी ने स्ट्रेटजी रही है स्ट्रगल, ट्रू से स्ट्रगल का, तो इन्होंने बोला कि ये जो टाइम पीरियड है ब्लैंक पीरियड, उस पीरियड में हमारा ये काम करेंगे, हम लोगों को दिखाएंगे दैट यस वी कैन लीड यू. नो चेंजेस आर्गुमेंटेड, थॉट दैट द पार्लियामेंट वर्क वुड लीड टू नेग्लेक्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क, लॉस ऑफ रिवोल्यूशनरी जेल एंड देयर विल बी पॉलिटिकल करप्शन. वो पावर्स मिलेंगे, एवरीवन विल गेट करप्ट. सो द स्वराजिस्ट पार्टी कंप्लीटली पार्टेड विद द इंडियन नेशनल, completely parted with the Indian National Congress. ठीक है, compromised इनके बीच में was reached at the meeting in Delhi 1923. The Swarajist could contest election as a group within the INC. ये questions पूछा जाता है, क्या वो अलग बिल्कुल हो गए थे? Ideologically वो अलग थे, but they were the part of the Congress. The Swarajist accepted with only one difference that they would join the legislative councils. स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो जो उन्होंने रिलीज किया उसमें उन्होंने लिखा है कि द मोटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज टू लेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, द सो कॉल्ड रिफॉर्म्स वर ओनली अ ब्लाइंड टू फर्दर द स्टेट इंटरेस्ट. बेसिकली एक्सपोज करना था उनको. द गांधी एटीट्यूड टुवर्ड्स, गांधी वाज इनिशियली अपोज्ड बट लेटर ही रियलाइज इन 1925 एंड ही ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स अ रिकंसिलिएशन एंड देयर वाज अ क्रैकडाउन टुवर्ड्स एक्सट्रीमिस्ट एंड स्वराजिस्ट बाय द गवर्नमेंट एंड गांधी एक्सप्रेस्ड हिज सॉलिडैरिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. बोथ साइड्स केम 1924 में बेलगाम जो अधिवेशन हुआ जहां पे एकमात्र गांधी जी ने प्रेसिडेंसी के, वहां पे गांधी जी ने उसको सपोर्ट किया. अब ये देखो कि स्वराजिस्टों में भी दो तरीके के लोग हो गए, एक जो रिस्पॉन्सिविस्ट हो गए और एक नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट. इनफैक्ट इसमें जो ए फैक्शन विद इन द ब्रोक अवे इन फॉर्म ऑफ अ रिस्पॉन्सिविस्ट, ये कौन थे? ये एक्चुअली रिलीजियस, जस्ट जो आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं
प्रेरित थे वैसे वो लीडर्स थे. द स्वराजिस्ट लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ मेनी मुस्लिम्स व्हेन दे डिड नॉट सपोर्ट अ टेनेंट्स अगेंस्ट द जमींदार्स इन बंगाल्स. द डेथ ऑफ सियारदास ने फर्दर वीकेंड द काउच. और रिस्पॉन्सिविस्ट जो थे उसमें जैसे लाजपत राय मालवीय और एनसी केलकर एडवोकेट तक कॉपरेशन वो यार काम करते हैं इनके साथ मिलके करते हैं. एंड दे आल्सो वांटेड टू प्रोटेक्ट द सो कॉल्ड हिंदू इंटरेस्ट. ये देखो सो एलिमेंट हिंदू एलिमेंट आ गया यहाँ पे तो मुस्लिम से अलग होने लगे थोड़े से. अब रिलीजन की बात चलने लगी. स्वराजिस्ट का पहले से ज्यादा वो कोई मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने लगा कोई हिंदू को रिप्रेजेंट करने लगा. सो इन 1930 द स्वराजिस्ट फाइनली वर्कड आउट बिकॉज ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज. और इसी बीच में आप देखो कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की वहां पर उन्होंने कंप्लीट रेजोल्यूशन का अपना वो ले लिया होता है. और 1930-29 में आप देखो कि इनको खत्म हो जाता है. बट अचीवमेंट्स हम देखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कोलिशन पार्टनर्स आउट वोटेड द गवर्नमेंट सेवरल टाइम्स. जब भी उनके बजटरी ग्रांट्स की बात आई बहुत जगह पे उन्होंने आवाज उठाया. उन्होंने दे एजिटेटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड मेड पावरफुल स्पीचेस. ये स्पीचेस क्या करते थे प्रोपोगेंडा का काम करते थे. विट्ठल भाई पटेल स्पीकर बने और 1925 में आप इसने देखा इसमें क्वेश्चन था. पब्लिक सेफ्टी बिल ऑफ 1922 वाज डिफीटेड. दिस इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट. दे फिल्ड अ पॉलिटिकल वैक्यूम व्हेन द नेशनल मूवमेंट वाज रीकूपिंग. 1922 के बाद तो शांति थी. उस 22 से लेकर 1930 तक का जो पीरियड है दैट वाज द पीरियड ऑफ सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट. उस टाइम में इन्होंने पॉलिटिकल जो जोश उसको जिंदा रखा. एक्सपोज द हॉलेनेस ऑफ द मॉन्टफोर्ट स्कीम. और 1917-1919 में जब ये रिफॉर्म हुआ तो देखो कि 10 साल के अंदर इसको रिफॉर्म करना था. बट उससे पहले ही आप देखोगे कि देयर वाज साइमन कमीशन विच विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक. साइमन कमीशन आता है. साइमन कमीशन वाज टू डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट. तो उन्होंने इसके जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के एक्सपोज किया उसके वीकनेस को तो साइमन कमीशन को जल्दी भेज दिया गया. बट दे हैड देयर ओन लिमिटेशंस. पब्लिक आउटरीच लोगों को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे थे. रिलाइड सोली ऑन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशंस. प्रचार करने तो जाते नहीं थे. एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट स्ट्रेटेजी. आज के टाइम में भी आप देखो कि अपोजिशन पार्टी को रूलिंग पार्टी हमेशा कहती है कि दे आर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट. दे डोंट वांट टू लेट अस डू द वर्क. लेट अस डू अवर जॉब पार्लियामेंट्री जॉब. बट यही था इनके पास में. ये ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की तरह काम कर रहे थे. बट देर आर सम लिमिटेशंस. आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो. उसके बाद ये आपस में भी तो विभक्त हो गया. आप देखो कि रिस्पॉन्सिविस्ट नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में. दे फेल टू सपोर्ट द पीसेंट काउजेस बंगाल एंड लॉस्ट मुस्लिम सपोर्ट. सो दिस इज हाउ द स्टोरी ऑफ द स्वराज जिस स्वराजिस्ट जो ये पार्टी थी उसकी कहानी रही. और हमने उसको देख लिया फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के साथ. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव क्वेश्चन आते हैं. इट इज साइमन कमीशन. साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन किया गया था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट मैन कमीशन. साइमन कमीशन का यहाँ आने का पर्पज ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्स रिफोर्ट के टाइम से जो हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट क्या उसमें हम और कर सकते हैं. What are the scope of the changes? What are we should do to accommodate the demands of Indian? और आपने देखा होगा कि अभी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू वहाँ जाके सेंट्रल लेजिस्लेटर में हल्ला कर रहे थे ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का काम कर रहे थे. तो इसने स्पीड अप किया इस मूवमेंट को. और साइमन कमीशन जो था दैट वॉज सेट अप इन 1927 और वहाँ पे ब्रिटेन में एक ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी स्टैनले ब्लैडविन के अंदर. स्टैनले बाल्डविन. तो इस बाल्डविन ने बोला कि वी विल सेट अप अ कमीशन and that will be headed by the Sir John Simon. और कब उसने वो किया 1927 में इसका गठन किया. और the purpose was to look after the constitutional advancement or administrative reform. So now looking at the question. The first question is saying that the commission in 1928 came to the India with the purpose. किस काम से आए थे वहाँ पे तो the consider administrative reform. Second question is the Simon Commission of 1923 was boycotted because एक fault line था इसमें that there was no Indian member in the commission. ठीक है ये आप देखोगे कि जब वो यहाँ पे आए तो it was vehemently opposed by the all political parties. ठीक है उनका reason ये था कि जो Simon Commission की जो गठन किया गया था उस Simon Commission में there was no Indians और वो यहाँ के जो Viceroy उस time के थे लॉर्ड इरविन जो थे यहाँ पे उनके कहने के हिसाब से बोला देर इज नो नीड टू इंक्लूड एनी इंडियंस. सो इंडियन अपोज्ड. आप हमारे बारे में डिस्कस करने आ रहे हो और आप हमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो. तो नाउ दिस इज व्हाट. व्हेन डिड द साइमन विजिटेड इंडिया. साइमन कमीशन जो था वो इंडिया कब आया. सो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था दैट वॉज इन 1927 एंड ही रीच्ड इंडिया इन 1928. इट वॉज द मंथ ऑफ फैब 1928. ठीक है. साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड. जब अपॉइंटमेंट की बात करेगा तो 1927. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी. लिबरल पार्टी से कौन संबंध रखते हैं तो लिबरल पार्टी से सर जॉन साइमन हिमसेल्फ वॉज अ लिबरल पार्टी कैंडिडेट और मेंबर ऑफ कैंडिडेट. सो
वट एवर देयर व्यू, आप देखो कि उनके जो फॉलोअप में जो रिपोर्ट्स आता है उसमें देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव मूव्स, बट द प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज नो इंडियन एट ऑल. तो आपने खुद ही हमारे किस्मत का डिसीजन ले रहे हो, हमसे पूछ ही नहीं रहे हो हमारे बारे में क्या करने वाले हो. ऑन हूज सजेशन, क्वेश्चन नंबर 6 से, किसके सजेशन पे द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन. सो हमने देखा कि उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन. सो इरविन वॉज नॉट इन व्यू टू कंसिडर इंडियंस इवन फॉर their own constitutional advancement. Question number 7, with reference to Simon Commission's recommendation, which one of the following statement is correct? It recommended the replacement of Diarchy with responsible government in the provinces. ये द्वैत शासन होता है, ठीक है, द्वैत शासन. It proposed the setting up of inter-provincial council under the whole department. It suggested the abolition of bicameral, नहीं, ये नहीं था. It recommended the creation of Indian Police Services, बिल्कुल नहीं. So exact answer is that it recommended the replacement of Diarchy with the responsible government in the provincial. थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. जो पहले तो डिवीजन जो था, क्या क्या डिविजन्स थे, तो उसमें देखो कि एक तो सेंटर की तरफ से कुछ रूल्स लॉ रेगुलेशन आते थे और एक प्रोविंसेस के लिए, ठीक है. प्रोविंसेस में भी दो भागों में बांट दिया. प्रोविंसेस में बोला कि एक जो है गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर उस पर रूल बनाएगा, ठीक है. इस पर जो भी रूल बनाना है, कानून बनाना है, गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, और एक जो है गवर्नर जनरल जो होंगे वो अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलकर बनाएंगे, ठीक है. आप ये देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स थे वो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दिया और मिनिस्टर्स का उसमें कोई से ही नहीं था. ये 1919 की बात है. उसके बाद जब 1927-28 में जब ये साइमन कमीशन आई तो इन्होंने बोला कि नहीं, इट शुड बी अबॉलिश्ड, देयर इज नो नीड फॉर दिस दैट डिस्टिंक्शन. अब देखो कि लाला लाजपत राय, लाला लाजपत को हम पंजाब की हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, और वो लाहौर में प्रोटेस्ट करते हुए 1928 में हो जाती है. ही वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन. क्वेश्चन नंबर 2, हुम डिड द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड. हाँ, अब देखो, अब साइमन कमीशन यहाँ आया, तो यहाँ पे साइमन कमीशन आया उसको हमने सपोर्ट नहीं किया और हम उसको कांग्रेस ने उसको अपोज दिया. देन द ब्रिटिश अथॉरिटी चैलेंज्ड अस, दैट आप ही बना लो फिर आप, कि व्हाट यू वांट, यू गिव अस अ रिपोर्ट, कैन यू मेक इट. तो वहाँ पे आप देखो कि 1929-30 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है. इसमें जवाहरलाल नेहरू भी रहते हैं, बट मोतीलाल नेहरू वाज द इंपॉर्टेंट वन हु वाज डीलिंग विद द रिपोर्ट्स. और ये रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स है. इट वाज सम सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर द कमिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट इन योर कंट्री. अब आप देखोगे कि दैट क्वेश्चन नंबर 11 इज आस्किंग हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड फॉर द डोमिनियन स्टेट फॉर द इंडिया. डोमिनियन स्टेट किसने मांगा था? तो डोमिनियन स्टेट की बात करें तो सबसे पहले तो हमने सेल्फ रूल से बात की, स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की, बट डोमिनियन स्टेट की बात जब की तो इट वॉज तेज बहादुर नहीं, आई थिंक दिस इज पंडित मोतीलाल नेहरू एंड गोविंद वल्लभ पंत, इन दोनों ने नेहरू रिपोर्ट में दे आस्क फॉर द डोमिनियन स्टेटस, ठीक है. एंड ये था, और इस में एक ये इशू हो गया दैट जब उन्होंने डोमिनियन स्टेट मांगा तो विद इन द कांग्रेस एक और आइडियोलॉजिकल डिवीजन हो गया और इस नेहरू रिपोर्ट के भी डिवीजन हो गया. उसमें बोला डोमिनियन स्टेट क्यों मांग रहे हो, और उनके पुत्र जयल नेहरू बोले दैट वी शुड गो फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वाई वी आर आस्किंग फॉर दैट दैट डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस जैसे डोमिनियन अभी एक कंट्री होती है, यू कैन से दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इन द इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज having own set of parliament, और जो अपना काम कर रहे हैं. और इस डिवीजन में आप देखोगे कि एक 1928 में, आप इसका डिवीजन में 1928 में जवाहरलाल नेहरू एंड दैट अपना सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग एजेंसी बनाई थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लीग. इंडिपेंडेंट लीग, ये क्वेश्चन आएंगे आपको इसमें आगे. क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना पुट फॉर्थ हिज 14 पॉइंट. अब चैलेंज तो मिल गया था इंडियंस को, तो एक तरफ तो कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट पे काम कर रही थी, उसी तरीके से दैट मोहम्मद अली जिन्ना को भी, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी 14 पॉइंट फॉरवर्ड किए. और ये जो 14 पॉइंट्स थे, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दैट व्हाट शुड बी द वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट. और ये जो उन्होंने ईयर जो था दैट वाज 1929. The radical wing of the Congress party with Jawaharlal Nehru as one of its main leaders were founded the India Independence for India League in opposition to Nehru report. Nehru report ke against mein unhone bola tha ki we need independence, complete independence. We don't want dominion status. Question number 14. Who of the following was the president of all party conferences held in Feb 1928? So it was Dr. M. A. Ansari. It's a fact. Dr. M. A. Ansari 1928 mein lead kar rahe the all party conference ko.
द नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड अ कमिटी हेडेड बाई मोतीलाल नेहरू, और दूसरे उसमें एक और थे, तेज बहादुर सप्रू का भी नाम आता है, एम एस जयकर का भी नाम आता है, एंड द नेम वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, तो हम वही बोले थे कि जॉन साइमन वॉज अ लिबरल पर्सन, ठीक है, एंड ही हैड सम व्यू दैट शुड गो अहेड विद दैट, और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसके फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं, बार बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस या हर स्टेट पीसीएस कुछ ना कुछ पूछते हैं इसमें। द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट, इट वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायरिंग द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। इट वॉज हेडेड बाई द सर जॉन साइमन हु वॉज अ लिबरल लीडर, इट रिकमेंडेड अ फॉर्म ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। इट वॉज अपोज्ड बाई द इंडियन लीडर्स, यस, जस्ट बिकॉज देयर वॉज नो इंडियंस, no Indians, so correct answer is all of the above. With reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was where a recommendation of the Nehru, the Nehru report mein aapne dekha complete independence of India, ye to bilkul hi nahi tha, dominion status ki maang kar rahe the. Other jo progressive the usme ye dekho ki fundamental 19 ya 20 fundamental rights the uski baat ki thi, aur joint electorates ki baat ki thi for reservation of seat for minorities, matlab Muslims, and the provision of fundamental rights for the people of India in the constitution. It is one of the progressive just reports in their own perspective, except some provision of dominion state. So 2 and 3, 17 ka option 2 and 3 should be the correct answer, and the correct answer is B. Question is, who among the following was responsible for the formation of independence of India League 1928 mein? So it was Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. So it is correct answer 1928. Kyun? Kyunki they want complete independence, not dominion status, which was advocated by the Nehru report. Question number 19, the Congress boycotted the Simon Commission. Why boycott? Kya? That it did not have a single Indian member. So basically, yeah, yeah, both A bhi sahi hai, R bhi sahi hai, and R is the true explanation. So this is the correct answer. A and R are true and R is the correct explanation. This is the last question of this at Simon Commission. Protest led by the Lala Lajpat Rai was organized in Lahore, 1928, jahan pe unki mrityu hui. Theek hai, Simon Commission did not have a single Indian member. Yes, bilkul sahi. This is the correct reason. So this way you have completed 20 questions related to the Simon Commission, which formed in the 1927, came India in 1928. So this is the conceptual part of the Simon Commission, Nehru report and 14 points. Iska dusra naam tha Indian Statutory Commission, isko commonly humne bola Simon Commission. Kitne the? 7 people the, British member of parliament, aur chairman the Sir John Simon, theek hai, and they arrived in India in 1928 February. Objective, the British government appointed the Simon Commission to report the Indian constitutional progress for introducing constitutional reforms. वही ये बात है कि हम कैसे reform कर सकते हैं. But it was strongly opposed by Indian for number of reasons. The commission was seen as a racist and colonialist and had 7 British member of it and no Indian members. But ये question अभी पूछा था कि what were the recommendations? ये आएंगे आपसे. It proposed the abolition of diarchy, ठीक है, द्वैध शासन खत्म करने की बात किया, and the establishment of the representative government in the provinces. It means there must be some local element in that. Parliamentary rejected parliamentary responsibility at the center, and the governor general was to have complete power to appoint the member of the cabinet. It recommended the separate communal electorates be retained. देखो इसमें भी आप देखो है कि उनकी जो ideology रही divide and rule की, ये इसमें भी दिख रही थी. Accepted the idea of federalism, but not in near future. It took lot of time. 30 साल लगे उसके बाद जब हम फेडरल सेटअप की बात करने के लिए 1935, उसके बाद 1947. It suggested that the there must be a council of greater India should be established, which should include the representative of both the British provinces as well as princely state. उनके लिए भी कुछ बोला था. It also suggested that the Indian army should be Indianized. Thou British forces must retain. तो अपने रूल को वो रखेंगे, और लॉर्ड ब्रेकनहेड चैलेंज देते हैं दैट आप अपना डिसाइड करो आप कैसे करोगे इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट. तो एक कमिटी हेडेड बाय द मोतीलाल नेहरू, और इसमें सप्रू, सुभाष बोस, मंगल सिंह, अली इमाम, जी आर प्रधान, और सेक्रेटरी थे इसके जवाहरलाल नेहरू, इनका भी नाम आएगा इसमें. इन्होंने जो अपना रिजोल्यूशन दिया 1928 में, 1929 में जो रिपोर्ट सब उसमें बोला कि वी नीड डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग और डोमिनियंस, वी रिजेक्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बट ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स दो सीट्स हम रिजर्व करेंगे एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस वेयर, जहाँ पे माइनॉरिटी है. लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाएंगे, ये देखेंगे कि आप आगे 1956 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए कमिटी ऑर्गेनाइज किया जाता है. 19 फंडामेंटल राइट्स, शायद वी डिस्कस्ड इट दैट कि देयर वाज सम राइट्स फॉर वुमेन, यूनियंस, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो अपने टाइम से काफी आगे थे ये. आप देखोगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस, फुल प्रोटेक्शन टू कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट टू मुस्लिम, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, दिस इज व्हाट सेक्युलर क्रेडेंशियल, धर्मनिरपेक्षता के भी कुछ एलिमेंट थे. द नेहरू रिपोर्ट अलॉन्ग विद दैट द साइमन कमीशन वाज अवेलेबल टू पार्टिसिपेंट्स
इन द थ्री इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, या देखोगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही सब डिस्कस होता है. अनफॉर्चुनेटली वो फेल्ड हो जाता है. नेहरू एंड सुभाष बोस रिजेक्टेड द कांग्रेस कॉल एंड सेट अप इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग. कब? 1928 में. 1927 में फोर्थ प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग विच वॉज एक्सेप्टेड बाई द मद्रास कांग्रेस. क्या था भैया मुस्लिम लीग रिएक्शन टू द रिपोर्ट? ज्वाइंट इलेक्टोरेट, 1/3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ 3 मुस्लिम रिजेक्टिव प्रोविंसेस एंड रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन. अब देखोगे कि यहाँ पे हमने एक तरीके से उनको सपोर्ट किया है. फिर आप देखोगे देयर वाज अ जिन्ना 14th पॉइंट 1929 में आता है. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, रेसिडुअल पावर टू प्रोविंसेस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल विदाउट स्टेट कंकरेंस, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, 1/3 सेंट्रल, 1/3 कैबिनेट, सेपरेट इलेक्टोरेट. जबकि ये नेहरू ने इसको मना किया था, नेहरू कमिटी रिपोर्ट ने. नो बिल विदाउट 3/4 मिनोरिटी कंसिडरेशन. सो ये थे जो दीज वेयर द फाइंडिंग्स, वेयर दीज वेयर द रिकमेंडेशन ऑफ द जिन्ना 14 पॉइंट. कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस होता है 1928 में. नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया जाता है. यंग लीडर जवाहरलाल नेहरू, बोस, सत्यमूर्ति एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन. उन्होंने बोला भैया समय आगे निकल गया है, वी शुड गो फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. द गवर्नमेंट वॉज गिवन 1 year पीरियड टू एक्सेप्ट दिस गोल. बट ऐसा तो कुछ होना नहीं था. इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द डोमिनियन स्टेटस बाय द एंड ऑफ द ईयर, द कांग्रेस वुड नॉट ओनली डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट वुड ऑल्सो लॉन्च ए सिविल डिसमूवमेंट टू अटेंड दिस गोल. सो यहाँ तक आपने देखा कि कांग्रेस ने 1928 में खुले तौर पर चैलेंज कर दिया था कि भैया अगर आप मुझे डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दोगे, जो कि नेहरू रिपोर्ट मांग रहा है, तो हम तो फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही लेके मानेंगे. और ये इन्होंने डिक्लेयर किया था कलकत्ता सेशन में. और आगे आने वाले देखोगे कि 1929 तक ऐसा कुछ नहीं होता है, और 1929 के सेशन में हम प्रपोज कर देते हैं कि यस वी आर गोइंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. सो कहानी अभी और बहुत ही दैट एनर्जेटिक होने वाली है. और आप देखोगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है एंड इट वॉज वेरी हाईली पब्लिसाइज्ड मूवमेंट. देश विदेश में सभी को बताया जाता है इसके बारे में, हम वो भी करेंगे. एंड द नेक्स्ट से दैट लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. सो इसमें अराउंड वी हैव 10-15 क्वेश्चंस. वी विल डू इट कंप्लीटली विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. दिस इज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट द व्हेन डिड द कांग्रेस पास द प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, 1928 में आपने माना नहीं हमारी बात, तो ठीक है, हम 1929 में हम लॉन्च करने वाले. और लाहौर जो है रावी नदी के तट पे, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ठीक है वी विल आस्क कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, रावी लिवर लाहौर में. और इसमें आप देखोगे कि 26 जनवरी 1930 को फ्यूचर ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे माना है. सो आप देखोगे कि आपका संविधान बनने के बाद वी वेटेड टिल 26 जनवरी 1950, उस दिन अंगीकृत किया गया, उस दिन हमने एक्सेप्ट किया कि यस वी हैव अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड इन द लाहौर कांग्रेस. कब? 1929. ये हमने देखा था पूर्ण स्वराज. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल, कंप्लीट इंडिपेंडेंस विथ ऑल फॉरेन कंट्रोल. करेक्ट आंसर इज मौलाना हसरत मोहानी. 1921 में अहमदाबाद सेशन में इन्होंने बोला कि स्वराज जो हम वर्ड बोलते हैं, दैट वी नीड स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होना चाहिए. उन्होंने बोला इट मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस. सो दैट इज व्हाट ही प्रमोटेड. ठीक है, एंड दिस सेशन वाज प्रिसाइडेड. 1921 का जो सेशन था, वो सेशन लीड कर रहे थे हाकिम, प्रेसिडेंसी उनकी थी हाकिम अजमल खान की, बट मौलाना हसरत मोहानी जो थे उन्होंने ये उसमें प्रपोजल दिया था कि अगर हम कहीं भी स्वराज की बात कर रहे हैं तो दैट शुड बी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, डोमिनियन स्टेटस से कुछ नहीं होना. और कब दिया था? 1921, अहमदाबाद. और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु अमंग द प्रपोज टू अडॉप्ट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन अहमदाबाद सेशन. तो हमने देखा था कि इट वाज मौलाना हसरत मोहानी. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन. तो हमने देखा 1929, जवाहरलाल नेहरू ने वो रेजोल्यूशन पास किया था जब वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. Who declared the aim of Congress as a पूर्ण स्वराज? किसने? जवाहरलाल नेहरू. कहाँ? 1929 लाहौर, रावी नदी के तट पे. Who hoisted the Indian flag at the midnight of 31 December 1929? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है, 31 दिसंबर 29 को जो उन्होंने झंडे को जो उत्तोलन किया था, सो इट वॉज होस्टेड बाई द डॉक्टर दैट जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, when was the newly adopted जो ट्राईकलर फ्लैग था वो उसी दिन. आप देखो कि दैट लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को इसे फर्स्ट टाइम फहराया गया था.
Which one of the following session of India was presided over? So it was Lahore session 1929. ये पहली दफा था, उसके बाद भी उन्होंने दूसरे session की अध्यक्षता की, ठीक है, और दो साल बाद ही उन्होंने एक session की अध्यक्षता की थी, ठीक है. The 1929 session of Indian National Congress is of significance in the history of the freedom movements. क्या attainment of self government was declared as the objective? पूर्ण स्वराज, जहां भी पूर्ण स्वराज है बस adopted as the goal of the Congress. Non cooperation movement, नहीं non cooperation यहां पे नहीं किया गया था, वो कलकत्ता session में हमने बोला था कि we have different that boycott method we will do, और नागपुर में हमने इसको accept किया था. Decision to participate in round table conference हम आगे देखेंगे. Attainment of self government was declared as the objective of the Congress, ये तो starting में ही हमने कर दिया था 1909 में, ठीक है. And in which of the following session of the Indian National Congress पूर्ण स्वराज वर declared, पूर्ण स्वराज declared किया लाहौर 1929. The पूर्ण स्वराज revolution adopted at the Lahore session of the Indian National Congress was moved by J.L. Nehru. Which of the following was not included in the resolution of the Lahore session? क्या नहीं accept उसमें किया था? Declaration of Indian Foreign Policy, Declaration of Company Preparing to Launch, ये नहीं था, हम launch करने वाले नहीं थे. Untouchability के बारे में भी इसमें कुछ ऐसी कुछ बातें नहीं हुई थी as far as now, but I let the question 13 का D that, हाँ ये the correct answer is there was no, हमने civil disobedience की बात तो यही कर दी थी, and then abolition of untouchability के बारे में इसमें कोई बात नहीं थी. The Lahore session of Indian National Congress is very important in history because the Congress passed a resolution demanding complete independence. The rift between the extremists and was moderates, ये कब हुआ था, 1916 में हुआ था, आपने देखा लखनऊ अधिवेशन में. And a resolution was passed rejecting the two nation theory. तो इसका आंसर ओनली ए, ये नहीं हुआ था, टू नेशन का तो कॉन्सेप्ट बाद में आया, तो फर्स्ट वाज ओनली वन. सो इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड वी हैव जस्ट 30 क्वेश्चंस, वी विल कंप्लीट दिस विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. द क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर वन इज आस्किंग दांडी मार्च वॉज अंडरटेकन. सो दांडी मार्च जो था दैट वॉज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. दांडी मार्च की शुरुआत करते ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है. दांडी मार्च का पर्पस ये था, गांधी जी ने 12 मार्च को दैट ये स्टार्ट किया, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, और उनका पर्पस ये था कि जब मैं दांडी नाम के एक सबर विलेज में पहुंचूं तो वहां पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करूं. सो उसके लिए उन्होंने 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी मार्च तक की यात्रा की 241 माइल्स. एक फैक्ट और है, 12 मार्च की जगह 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंचे थे दांडी. क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन डिड द दांडी मार्च बिगन? दांडी मार्च बिगन ऑन 12th ऑफ मार्च 1930, 6 अप्रैल को ये खत्म हुआ था. एट विच कांग्रेस सेशन वॉज द वर्किंग कमिटी ऑथराइज टू लॉन्च ए प्रोग्राम फॉर सिविल डिसोबीडियंस? तो इट वॉज ड्यूरिंग द लाहौर 1929 लाहौर. हम उसमें देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी, और उससे पहले उन्होंने एक साल का अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट का कि आइदर यू गिव मी द डोमिनियन स्टेटस, और जो कि नेहरू रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था, और अगर आप नहीं देते हो देन वी विल गो फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उसके लिए वी विल लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Which one of the following began with the Dandi March? तो हमने बोला था कि that the movement Dandi March began 12 March. उस time से civil disobedience movement की start हो गया था. गांधी जी started Dandi March from Sabarmati. 78 followers, 241 miles, 12 March 1930. पहुंचे कब थे? 6 अप्रैल 1930 को. Which one of the following provinces had the highest number of satyagrahi in the Mahatma Gandhi Dandi March? Dandi March में आप देखोगे कि गुजरात से 31 थे, जबकि महाराष्ट्र से 13, बिहार से आप देखोगे कि इट वॉज ओनली वन, और वो बीपीएससी पूछा था कभी, ग्रीवरधारी चौधरी, जी चौधरी का नाम आता है, और बंगाल से भी एक थे, तो मैक्सिमम वॉज फ्रॉम द गुजरात. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मैक्सिमम? सो इट वॉज साल्ट सत्याग्रह, ठीक है. वेब मिलर नाम के एक इंग्लिश यूएसए से जर्नलिस्ट थे, वो साबरमती आश्रम में रुके थे, और उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा चित्रांकन किया है. हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह ऑफ
गांधी। तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन होगा तो उसमें देखो कि सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उनका पर्पस यही था दैट वी आस्क देम फॉर सेल्फ रूल कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम साबरमती, साबरमती से उन्होंने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च से उन्होंने शुरुआत की 12 मार्च 1930 को। एंड द डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड टू सपोर्ट, तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ब्रेक द साल्ट लॉ। साल्ट जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी आदमी के लिए, इंसान के लिए, इवन दैट वॉज टैक्स्ड। एंड फॉर दैट पर्पज गांधी जी वॉन्टेड टू ब्रेक द साल्ट लॉ सेरिमोनियली, दैट हम डांडी मार्च करेंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे एंड वी विल ब्रेक योर लॉ सेरिमोनियल तरीके से। द हिस्टोरिक डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद द एवोल्यूशन वायोलेशन ऑफ साल्ट लॉ विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट इन समय से सबसे पहले क्या हुआ। सो आप देखोगे दैट दांडी मार्च की शुरुआत जो हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी और क्विक इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था दैट वाज 9th ऑफ अगस्त 1942 को हमने अप्रूव किया। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन जो था वो फैब के 1928 के ईयर में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था मार्च 1931 में हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। द डेट ऑफ 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 का जो डेट था इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर द दांडी मार्च ऑफ कंप्लीशन, दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को खत्म हो गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने इसको, नेपोलियन का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रॉम एल्बा टू पेरिस, इसको उससे उसकी तुलना कर दी। द स्टेटमेंट आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन द बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट द माई, ठीक है, इस गांधी जी ने दांडी मार्च के टाइम में कहा था। दैट इज वाई इट वॉज अ वेरी यू कैन पब्लिसाइज्ड, विश्व देश विदेश हर जगह इसकी बात हो रही थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, not correct about the Mahatma Gandhi Dandi March. Started from the Sabarmati Ashram, march terminated Dandi village besides the area. Mahatma Gandhi prepared salt at the Sura. Preparation of salt is different thing and breaking the salt is different thing. उन्होंने उसको boil करके just ये दिखाया that we are not abiding your law. So it is not correct. And it was all together a pedestrian march. Yes, 241 miles, 78 followers. Which one of the following statement is not correct about महात्मा गांधी डांडी मार्च? इट वॉज एन ऑल टूगेदर पेडेस्ट्रियन मार्च, बिल्कुल सही है, पैदल चली हुई यात्रा थी। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट दांडी, कितना, 6 अप्रैल 1930 को। द एंटायर मार्च फ्रॉम साबरमती वॉज कवर्ड इन 24 डेज, यस ठीक है। दिस मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन 12 मार्च, नो इट वॉज स्टार्टेड ऑन 15 मार्च, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 15 मार्च को स्टार्ट नहीं हुआ था। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह, हु टुक द लीडरशिप की अगर बात आती है तो किसने लिया, तो इट वॉज अब्बास तैयब जी ने इसके लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही महात्मा गांधी को 6 अप्रैल को आप देखेंगे कि साल्ट लॉ उन्होंने ब्रेक किया और 5 मई को उनको अरेस्ट कर लिया गया था। सो अब्बास तैयब जी थे, उनको याड़वाडा जेल जो था वो पुणे में भेज दिया गया और वहां के बाद जब लीडरशिप जा तो इट वॉज टेकन ओवर बाय द अब्बास तैयब जी। Where was Mahatma Gandhi when a raid was made by the Congress volunteer on the Dharsana salt? तो हमने देखा कि ये जो धरसाना साल्ट था 5 मई 1923 को जब गांधी जी चले गए थे यरवाड़ा जेल में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अब्बास तैयब जी ने मूवमेंट को लीड करना शुरू कर दिया था और सरोजनी नायडू का जो नाम आता है, ठीक है, उसने एक रेड किया था धरसाना साल्ट डिपो पे एंड इट वॉज इन That question was कि कहाँ थे गांधी जी, तो इन यरवाड़ा जेल। अमेरिकन जर्नलिस्ट जो थे विब मिलर वो भी इस टाइम थे। आचार्य विनोबा भावे वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। आचार्य विनोबा भावे जो थे गांधी जी के एडी थे और उन्होंने उन्हें सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में 1930 में अरेस्ट किया गया था, बाद में वो प्रथम सत्याग्रही बने। गांधी जी स्टेट द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम, सो इट इज विब मिलर थे। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट, सो तंजौर कोस्ट पे एक साल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए एक मार्च हुआ। इट वॉज लीडेड बाई द सी राजगोपालाचारी और इसका नाम इन्होंने दिया वेदारण्यम मार्च। इट वॉज ऑल्सो सिमिलर टैक्स लॉ को ब्रेक करना था और इन्होंने तिरुचुरापल्ली से स्टार्ट किया त्रिचिनोपाली और वेदारण्यम में ये एंड हुआ था, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। द खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार ने की स्थापना की थी एज अ रेड शर्ट, किस लिए,
द यूनियन ऑफ पख्तून ट्राइबल एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट विथ द अफगानिस्तान, ऐसा कुछ तो नहीं था इसका पर्पस। द एडॉप्शन ऑफ टेररिस्ट टैक्टिक्स मेथड, वायलेंट तो थे बट ऐसा नहीं था, टेररिस्ट मेथड फॉर टेररिजिंग एंड फाइनली आउस्टिंग द पोलेरो, द एडॉप्टेशन ऑफ कम्युनलिस्ट, ये नहीं, द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, ये दोनों ये रीजन जो था दैट वॉज द रीजन ऑफ खुदाई खिदमतगार, और जिसको हम लाल कुत्ती के भी नाम से जानते हैं। तो रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड टू दैट थ्रू आउट द ब्रिटिशर्स, द सोल्जर्स ऑफ गरवाल रेजिमेंट, गरवाल रेजिमेंट का जो सोल्जर्स थे उन्होंने फायर करने से मना कर दिया था, पेशावर इंसिडेंट कहते हैं इसको, और इट वॉज ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और गरवाल रेजिमेंट वॉज लेड बाई द चंद्र सिंह गरवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट, लाल कुर्ती मूवमेंट वॉज लेड बाई द खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको अदर नाम सीमांत गांधी के भी नाम से हम लोग फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द पेशावर इंसिडेंट, पेशावर इंसिडेंट में आप देखोगे कि इट वॉज द वीर चंद्र सिंह गरवाली जिन्होंने मना कर दिया था लोगों के ऊपर फायर करने से पेशावर में। जिया तरंग जो मूवमेंट है इट वॉज स्टार्टेड इन मणिपुर में, और इसमें जो रानी गडियोली का नाम आप जो सुनते हो गडिनीलियो, ये इनका संबंध इनसे है, ठीक है। नागा ट्राइबल वोमेन थी और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन इज एजिटेशन अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय, चौकीदारी टैक्स कब हुआ था, मना कर दिया था, तो इट वॉज ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बिहार की कहानी है, बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ CDM गांधी जी गेव इम्पोर्टेंस टू, तो उसके बाद गांधी जी ने इम्पोर्टेंस दिया किसको, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। उसके अलावा दे स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द हरिजन्स रिक्वायरमेंट्स, यार वाडा जेल के बाद तो आप देखेंगे कि दैट देयर वॉज अ नेगोशिएशन ओवर द सीट्स एंड समथिंग, कॉम्युनल अवार्ड के बाद ये हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। प्रभावती देवी वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच फील्ड, सो सी वॉज फ्रॉम पटना, और ये प्रभावती वॉज द दैट रिलेटेड टू जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 30, द साल्ट एजिटेशन वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1930, महात्मा गांधी ये असर्शन है, रीजन क्या दे रहा है, महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वॉज टू टेक साल्ट अवेलेबल फ्री टू पुअर, यस बिल्कुल दिस इज द करेक्ट आंसर, सो दिस इज बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड ए इज द करेक्ट दैट ऑप्शन। महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट टू मेक साल्ट अवेलेबल फॉर द इन द कंटेक्स्ट पुअर, बट आई कैन सी दैट पुअर को अवेलेबल कराना तो ठीक है बट द इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ सेरिमोनियल दैट, तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए कि ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, रीजन नहीं हो सकता है ये इसका, साल्ट एजिटेशन का रीजन ये था दैट वी शुड सो ब्रिथिस दैट वी आर नॉट अवॉइडिंग योर लॉ, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, और यही UPPCS ने इसको माना है दैट ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। देन थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं, तो डांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत आप देखते हैं दैट 1929 लाहौर अधिवेशन में हमने बोला कि यस वी विल गो फॉर सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हमने कहा 12 मार्च और 6 अप्रैल 1930 के बीच में चला, एंड द पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और गांधी जी लेड द डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती टू द सी कोस्ट नियर द विलेज ऑफ डांडी, और डांडी जब वो 6 अप्रैल 1930 तो ब्रोक द साल्ट लॉ बाई कलेक्टिंग साल्ट लॉ, और यही एक ऑप्शन था आपके पास कि उन्होंने क्या किया था वहां पर, बनाया था नहीं, ही जस्ट कलेक्टेड इट विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस, ठीक है। और डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग लीडर हुए, मालाबार में आप देखो के किलप्पन ऑर्गेनाइज साल्ट मार्चेस, तमिलनाडु में हमने देखा वेदारण्यन मार्च हुआ, सी राजगोपालाचारी थे, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, बिहार में नन चौकीदारी टैक्स वॉज इम्पोज और वो बेगूसराय में देने से मना कर दिया गया, पेशावर में बादशाह खान और खान अब्दुल गफ्फार उन्होंने लाल कुर्ती की स्थापना की, पावरफुल मार्च किया, धरसाना में सरोजनी नायडू जब गांधी जी जेल में चले गए तो उसके बाद किया, और नागालैंड में रानी गडिनीलू 13 साल की उम्र में रेज द बैनर अगेंस्ट द ब्रिटिश। Extent of participation, Muslim participation was very less as compared to the 1922 level. क्यों? क्योंकि इस time आप देखेंगे कि जिन्ना जो था, जिन्ना was becoming a powerful voice of the Muslims. और उनका जो participation नहीं था, तो obviously Muslims का participation नहीं होगा. महिलाएं, students participated, active participation of tribal, हमने देखा रानी गांधीलू के नाम लेते हैं, workers, peasants, इन सब का था. 1930 में मोतीलाल एंड जवाहरलाल नेहरू were taken to the Yerwada jail to meet Gandhi ji and discuss the possibility of settlement. The demands were राइट ऑफ सीसेशन फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है, कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू सेट ब्रिटेन फाइनेंशियल क्लेम्स। तो ये जो थे आपने देखा सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड ये जो फैक्ट्स थे ये आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक फर्स्ट फेज था, सेकेंड फेज में आप देखोगे देयर वाज अ गांधी इरविन पैक्ट और ये था द गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सो गांधी ये सेकंड फेज में आप देखोगे कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद भी CDM चलता है, साइंड बाय द गांधी एंड द ब्रिटिश इंडियन वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन,
5 मार्च 1931 एक साल के बाद होता है। द पैक्ट वाज साइंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और इरविन डिक्लाइन टू ऑफ गांधीज डिमांड्स, क्या पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस एंड कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के लिए उन्होंने जो फांसी के लिए वो मना किया था, मांगा था कि इसे कम्यूट करे, वो उन्होंने मना कर दिया था। गांधी जी ने बोला ठीक है, टू सस्पेंड द सिविल डिसऑर्डर एंड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बात ये हुई थी कि दैट सीडीएम के बाद उन्हें भी लगा कि वी शुड डिस्कस समथिंग, तो दे स्टार्टेड ट्राइंग टू परस्यू कांग्रेस टू कम टू अ स्टेज और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन की स्थापना की बात की। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। देन देर वॉज अगेन, आप देखो कि 1931 के करीब में गांधी इरविन पैक्ट की बात की जाती है जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं गांधी जी की तरफ से कि अगर आप इन बातों पे अमल करोगे तो देन वी विल गो टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वहां पे भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया दो तीन मांगे जो थी, जैसे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस जो दिया गया था भगत सिंह को। तो गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर हम देखेंगे दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज हेल्ड इन द बैकड्रॉन ऑफ द इरविन गांधी पैक्ट, ठीक है। एंड द गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस इन, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था इट वाज इन 1931। द मेन पर्पस ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट वाज टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यही तो था उसका रीजन। हम यही तो चाहते थे कि कांग्रेस, ब्रिटिश भी यही चाहते थे कि गांधी इरविन पैक्ट की सेकंड गोलमेज सम्मेलन में आए। एंड गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन, ये तो अभी आपने देखा इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, 1931, ठीक है। द अमोंग द फॉलोइंग हुज एडजर्नमेंट वाज प्रपोज्ड इन गांधी जी इरविन पैक्ट, उसमें क्या प्रपोज किया था गांधी इरविन पैक्ट में, बोला कि वी विल जस्ट हम खत्म कर देंगे, एडजर्न कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऐसा नहीं था कि मूवमेंट लगातार चलता ही रहेगा, एनर्जी तो लो हो ही रही थी, तो गांधी जी ने बोला था कि वी विल सस्पेंड अगर आप हमारी बात सुनोगे तो। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, छठ मोतीलाल नेहरू नहीं, मदन मोहन मालवीय नहीं, इट वॉज द तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर, इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था एज ए मीडिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स कॉल्ड इरविन एंड गांधी टू महात्मा, किसने कहा। देखो कितनी बड़ी बात है ये, गांधी को भी और इनको भी महात्मा के नाम से कह रहे हैं, तो इट वॉज सरोजनी नायडू। तो थोड़ा ज्यादा ही आप देखोगे कि पॉजिटिविटी उनमें आ गई और उन्होंने बोला कि गांधी और इनवे आर टू महात्मास। हु अमंग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधीज गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट एज ए कंसोलिडेशन प्राइज की तरह, एलन कैम्बेल जॉनसन, ठीक है। ये बायोग्राफर थे इरविन के जो लिखे थे उसके बाद, इरविन के ऊपर जो बुक लिखी उसमें उन्होंने दैट इरविन ने लिखा, कैम्बेल ने लिखा इरविन के बारे में, और उन्होंने लिखा कि दैट इट वाज अ कंसोलेशन प्राइजेस एंड द वनली सरेंडर ऑफ इरविन टू एग्रीइंग फॉर द कन्वर्सेशन। सो वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द गांधी इरविन फैक्ट। नेक्स्ट इज कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जो था 1931 में, दैट टुक प्लेस एंड इट वॉज अंडर द लीडरशिप और द प्रेसिडेंसी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल भाई कर रहे थे। एंड इसमें यह था दैट गांधी इरविन पैक्ट को अप्रूव करने की बात की गई थी। कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया इसी में रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेशन। सो दिस इज टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात की गई थी। वाइल गेटिंग अपोज्ड बाई द फिफ्थ पीपल द सेशन, गांधी जी ने यह कहा दैट गांधी कैन डाई बट गांधी कैन नॉट डाई, इट इज स्टिल एग्जिस्टेंस। आप देखो गांधी आइडियोलॉजी अभी भी और गांधी वे ऑफ लाइफ स्टिल वी आर, there are a lot of people who are following that Gandhian way of life. It was the first time when the Congress described the term complete independence. Maang ki thi 1929 mein aur define kiya 1931 mein. To first question hum iske dekhte hain. That question is who of the following had regarded the Karachi session of Indian National Congress as the pinnacle of Mahatma Gandhi popularity and prestige. Unhone bola SC Bose, Subhash Chandra Bose ne mana tha isko, that it is a pinnacle of the Mahatma Gandhi popularity. Who among the following presided the, over the Karachi session of Congress? So Karachi session of Congress ko Vallabh Bhai Patel ne preside kiya tha. Who among the following drafted the resolution on fundamental rights? Fundamental rights ke upar jo Karachi session mein humne resolution approved kiya, it was approved by the, or it was drafted by the Pandit Jawaharlal Nehru. Aapko yaad raha hoga ki ML Nehru jo inke pitaji the, unhone Nehru report mein bhi 19 fundamental rights ki bhi baat ki thi. Then the question is select the correct chronological order events ऑर्डर के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आप देखेंगे 1931 में होता है। देन इट वाज कराची सेशन, इट वाज आल्सो इन 1931, इट वाज आल्सो इन 1931 एंड द गांधी इरविन पैक्ट 1931। अब सब 1931 है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट विच इज द अर्लीस्ट। तो आप गांधी इरविन पैक्ट देख लेते हैं, तो गांधी इरविन पैक्ट जो था वो सबसे पहले 5 मार्च को हुआ, ठीक है,
23 मार्च 1931 को इनका एग्जीक्यूशन हुआ, एंड देन कराची सेशन जो है 26 से 31 मार्च के बीच में चला, एंड देन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेप्टेम्बर में चला था, आई थिंक 7 सेप्टेम्बर. सो द करेक्ट आंसर इज सी 4321. देन रीड द फॉलोइंग इवेंट्स अगेन. वही है कराची सेशन. कराची सेशन जो था 26 से 31 मार्च को हुआ. 26 से 31 मार्च कराची सेशन. एग्जीक्यूशन 23 मार्च 1931. और गांधी इरविन पैक्ट जो था इट वॉज इन आई थिंक अभी हमने डिस्कस किया था इट वॉज इन द 5 मार्च. तो करेक्ट आंसर इज 3-2-1. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडियन स्ट्रगल. तो आप देखें गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, सेम चीज है. आप देखो पूना पैक्ट सबसे लास्ट में हुआ, दैट इज 1932 के करीब में. सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज 1-3-2-4. वन इज गांधी इरविन पैक्ट, देन 23 मार्च, 5 मार्च को ये किया, 23 मार्च को ये किया, 26 से 31 मार्च में ये किया, और ये 1932 में ये किया. सो दिस इज ऑल. आप देखोगे कि कराची सेशन ऑफ कांग्रेस खत्म हो जाता है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है इट वॉज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. कुछ फैक्ट्स जो थे वो रह गए कराची सेशन में, वो देख लेते हैं. प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल, रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, गोल पूर्ण स्वराज, रिटार्टेड एंड डिफाइंड, एंडोर्समेंट गांधी इरविन पैक्ट जो कब हुआ था, 5 मार्च को हुआ था. गांधी जी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट, और गांधी जी तैयार हो जाते हैं, यस आई एम कमिंग फॉर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वी विल डील हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट शुड टेक प्लेस. ये सब जब टेक प्लेस हो रहा था, तो इस बीच में आप देखो कि गांधी इरविन स्वराज के बाद राउंड सिविल डिसोबीडियंस को टाइम बींग के लिए स्टॉप कर दिया गया. और यही टॉपिक है हमारा, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड इट इज अराउंड 20 क्वेश्चंस.